अच्छा अच्छा याद आ गया, याद आ गया, इसको मैं पहनता था। हाँ याद आ गया, इससे ना नींद थोड़ी अच्छी आती। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सब ठीक होंगे। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो ये मेरा रूम है, आज अब मैंने आपको व्लॉग में दिखा दिया अपना रूम। तो ये चंडीगढ़ में है एंड मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला है कि हेमा ने मुझे कहा है मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हो गया उससे मिलने के। लेकिन मेरे दिमाग ने एक प्लान, एक आइडिया मेरे को बताया, फिर भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस आज कुछ ऐसा होने वाला, उसका होने वाला एक प्रैंक, और बहुत ही खतरनाक प्रैंक। तो गाइस आज का प्रैंक ये होने वाला है कि ये देख रहे हो आप, जैसे कि देख सकते हो आप, है ना, इसको मैं रखूँगा यहाँ पे, यहाँ पे गाइस छोड़ रखूँगा यहाँ पे। और उसके बाद वो जब आएगी, मतलब मैं बाहर ही वेट करूँगा उसका, तो मतलब मैं कुछ ऐसी बात करूँगा जिससे वो बोले कि मेरे कमरे में जाना है, या तो क्या पता वो बोले यार मैंने आपका रूम देखा है कि आप कितनी साफ़ सफाई रखते हो। तो जैसे ही मतलब वो मेरे रूम में आने की कोशिश करेगी, मैं उसको मना करूँगा, मैं नहीं मेरे रूम में तो ना गंद मचाइए, वो ऐसे नाटक करूँगा जिससे उससे शक हो। फिर वो अंदर आएगी, फिर जब वो ये देखेगी, वो देखते हैं उसके क्या रिएक्शन होते हैं। गाइस सारे रिएक्शन आपको बताएंगे हम, तो बने रहो व्लॉग के साथ, आपको हम आगे मिलते हैं, ठीक है। हम हेमा के आने में मिलते हैं, जैसे ही हेमा आती है मैं कैमरा ओपन करता हूँ, ठीक है आया मैं। तो गाइस प्लान में थोड़ा एक चेंज किया मैंने, तो ये जो ये ड्रेस है कि मैं यहाँ बेड पे नहीं रखूँगा, बेड पे रखूँगा तो उसको पता लग जाएगा प्रैंक है, इसको मैं अंदर रख देता हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम तो वो यूज़ करेगी एक ना एक बार, ठीक है गाइस। तो उसके बाद रखते हैं बाथरूम में, तो उसके आने का वेट करते हैं, ओके गाइस। तो चलो मिलते हैं आपको उसके आने के बाद। मैं अभी ये कैमरा यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। तो बाकी एक फ़ोन तनिष्क का आईफोन वो यहाँ पर रख दूँगा, एक फ़ोन अपने पास रखूँगा, ठीक है गाइस, ताकि उसको थोड़ा भी शक ना हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको उसके आने के बाद। गाइज बेल बजा रही है, वो शायद आ गई है। हेलो कैसे हैं आप? कैमरा थोड़ा गंदा हो गया। हाँ आ जाओ बैठो। हाँ तो दरवाज़ा बंद करो ना पहले। वाओ हील पहनी ताकि लंबी दिखे। क्या बात है, बैठिया। तुम्हारे लिए मैंने पानी लाया, पानी पीना मतलब आप। जाओ खुद ले लो, फ्रिज लगा उधर। शादी के बाद ऐसे भी तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, अभी प्रैक्टिस कर लो। झाड़ू मैंने मारा, मुझे पता तुम मारी हो आज। पोंछा मारने में आलस आ रहा था। अभी भी गंदा है, तो पता सुबह से लगाऊं, अपने आप को इतना तैयार नहीं किया मैंने जितना मैं सबको किया। नहीं यार स्मार्ट लग रहा हूँ इसमें, नहीं यार सच में कैसा लग रहा हूँ। देखो गाइस आ जा इधर बैठ जा, बोतल पे लिपस्टिक का निशान कैसे लगा? लगा हुआ है पता नहीं, बैठो आप इधर। मेरी तो बोतल है नहीं, मेरी ये बोतल है। क्या थोड़ी देर इधर बैठो, बाद में चलते हैं, पहले मैं साफ सफाई कर लूँ अपने रूम की फिर चलते हैं। पहले मैं साफ सफाई करूंगा ना अपने रूम की फिर चलते हैं। हेलो तो कर, किशू कर लूं उस पे हेलो पे। यार फिर पहले मेरे को रूम साफ करने दो, फिर आना आप, ठीक है? क्यों? मैं आया रूम साफ कर। नहीं मेरे बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। हाँ तो पहले मैं साफ करूंगा ना, आप फिर सोचोगे गंद में रहता है। बोला क्या? वो आज कुछ ज्यादा ही है, वो समझा कर मैं बोल रहा हूँ आज कुछ ज्यादा ही है। तो बोल रहा आज कुछ ज्यादा ही है, तो बोल रहा आज कुछ ज्यादा ही है, बोल रहा आज कुछ ज्यादा ही है। दिमाग खराब करा कर यार, नहीं करा। अच्छा एक सरप्राइज, ये लो मिठाई। क्या चिप्स लाए हैं तो लिखो ना। और टिकटॉक क्या हो? गंदी कटिंग नहीं करवाई, ये सही लग रहा है, अभी बड़े लग रहे हैं। तेरे भी बड़े हैं। मैं कर रहा हूँ क्या? फिर रंग को संभाल लेना। छोड़ो अंदर आगे। हाँ तो बाहर एक दो तो मक्खियाँ, बस तुम लोगों ने गंदा डाला हुआ है।
हो गया आपने देखने के लिए। और तुम्हें कुछ भी लेने चाहिए ना शॉप इसके रखी थी क्या? मुझे शर्म है, तुम ले लेती हो। नहीं खाओ मतलब एक लात तो ये जो चिप्स खा गया ठीक है। और पानी पानी पिया तो था भी बाहर फिर से पीऊंगी। जाना बाबा ऑफिस अभी है टाइम क्रेडिट। अच्छा मतलब एक दिन का तुम एग्जाम का दिलो मैं पहले कह रही थी तो मुझे मत करो मैं दोबारा आऊंगी भी नहीं। पानी भी ना मैं तुमने ग्लास में रख क्यों रखा नहीं है वो ऐसे ही नहीं है घर से वापिस। चल जाना है घर कब जाना है वापिस ठीक है? जब घर वाले प्यार से बुलाएंगे वो फिर कभी नहीं बुलाएंगे। फिर मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो मैंने भी आपसे बुलाना है। चलो ठीक है फिर ट्रेन ट्रेन देना तुम्हें। कुछ नहीं अब हम जाएंगे बाहर। क्या करने देख रहे हो जा रही है कहाँ जा रही है अभी रुक जा तू बैठ जा डेट डेट है तो है नहीं नहीं मैं पीछे हो यार दिमाग खराब नहीं करा कर तू उधर थोड़ी है घर उधर है घर उस साइड जा रुक जा ये बात वो दूसरा वॉशरूम यूज कर क्या हुआ भैया रिपेयरिंग करानी है इसकी रिपेयरिंग करानी है तो तुम कौन सा यूज करते हो मैं वो वाला पागल ही ना तू छोड़ कर यार कल तो यही वॉशरूम देखा था मैंने जब तुम वीडियो कॉल कर रहे थे तो फिर सुबह तक रहा हूँ यार क्या यार तुम्हें कभी अंदर नहीं आते थे कभी वॉशरूम नहीं जाते थे पागल हो गया लो चप्पल को रखने थी यार तुमने ही कपड़े मेरे जो लाओ रखे मैं आई कब उस दिन से मैं बाल बाल सिल देती ये क्या ही तुमसे पूछ क्यों क्या है मुझे पता क्या है क्यों तुमने डालना स्टार्ट कर दिया क्या नहीं साइज के भी नहीं है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है ऐसा पुराने न्यू यूज के कपड़े तो मुझे गिफ्ट होगा और ये मैं इतनी मोटी कब से हो गई तुम यार वो कुछ भी नहीं है इसमें तो मेरे दो डांडे भी डाल रही हूँ। अच्छा हाँ उस रात को ना पता क्या हुआ था एक बंदा आया था उससे मैं शर्ट खरीदने लगा शर्ट की जगह उससे मैंने ये ले लिया मेरे को पता ही नहीं था तो मुझे ऐसा मुझे कि शर्ट वाला भेजना है मैंने ये ले लिया तो वो इधर कब से शर्ट वाले गले में फिरने लगे क्यों नहीं फिरते आई थी कल शर्ट ले लो ये चूट मैं सीधे से पूछ रहा हूँ किसकी है बता दो शरीफ की यार मुझे नहीं पता यार किसकी है तुम्हारे वॉशरूम पड़ी है तुम्हें ही पता किसकी है मेरा वॉशरूम ही है फ्लैट वालों का मैं मेरे रेंट पे रहता हूँ उधर मुझे तो मेरे दो हफ्ते तो हो गए ना यार रहते हुए तो मैं नहीं ये बड़ी पहले की जब आया भी नहीं था तब की पड़ी है यार क्या बकवास है यार ये ओनर क्यों होगी यार मुझे क्या पता किसकी यार मेरे से पूछ रही है मैं ये पहनूंगा चला क्यों रहे हो एक तो गलती ऊपर से मेरे पे चला रहे हो क्या गलती है मैंने क्या उसमें से कंफर्टेबल इसको पहनना कभी रात को सोना अभी हम दोस्त अपने दोस्त से भी वो पहनाऊंगे इसको रख देते हैं इधर कबर्ड में तो बाकी हम बाकी अपनी बातचीत करते हैं कबर्ड में उसने वापस आना होगा ना तो खोल के गई है कंजरी कंजरी ऐसे बोल सकती है उसको ऐसे बोल सकती है तुझे क्या हो रहा है तुम्हें ज्यादा क्यों आ रहा है उसपे यार देखो मेरी बात सुन तुम्हें आज से ये सीधी सीधी बताओ मैं तुम्हें सब क्लियर करना चाहता हूँ आज मेरी बात ध्यान से आज नहीं चलना चाहिए तुम्हारा पर जब तुम जम्मू में थी ना
तो मेरे साथ आप तलाक उठ रही थी है ना? नहीं, मैं चंडीगढ़ में एक लड़की से प्यार हो गया। अच्छा, और तो बस मैं और वो यहीं पे रहते हैं, तो मैं उसको कहा धीरे धीरे तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर दूंगा। अच्छा, तो मैं ये तुम्हें बताने वाला था, लेकिन सोचा तुम्हारे क्या रिएक्शन होंगे, तुमने टैटू भी बनाया था, उसी बात का मेरे को कोई कवर हो जाएगा। तुम ले लो ये। हम्म, तुम तो खुश रह रहे हो ना? या मेरी क्या गलती है? तो मैंने तुम्हारी नीड सब पूरी हो गई है, तो मेरी क्या नीड्स? फिर चला रहे हो? सच्चा प्यार मेरा नीड्स नहीं बोलना। हर सच्चे प्यार की ऐसी की तैसी क्या सब कर दिया मैंने? प्यार किसी और से नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, पहले बोला था ना। कुछ नहीं होता, छोड़ो। आज यार इतना नहीं कर सकते, तुम मेरे से प्यार करती है, प्यार बड़ा करती मेरे से, इतना तो आई दिखे मेरे को प्यार, मतलब छी है तो शर्म नहीं आ रही मुझे, सोचते ही इतनी शर्म आ रही थी, और तुम कैसे बोल रहे थे? इन पैन तो पैन था मैं पागल में पैन हूँ। और बताओ कैसा लगा प्रैंक? तनिष प्रैंक की एंट्री से क्या लॉर एंट्री। चलो ठीक है, फिर कैसा लगा प्रैंक? तुम्हारे सुनवाही नहीं, बड़ा गुस्सा हो गया है, तो तब तक हम यार, मतलब इधर धूप आ रही है, इधर बनाते हो तो। हेमा जी, आपको ये प्रैंक कैसा लगा? बहुत वाहिए बात। अच्छा, आप सीरियस हो गए? सच में आप क्या लगा था? मुझे लगा कि अगर ड्रेस रखी है तो कोई ना कोई तो होगी, और वो मेरे साइज की भी नहीं थी, और थी भी पुरानी, और नई खरीदी भी नहीं थी। यार टेंशन मत लेती यार, यार तुझे लगता है, तुझे आज भी लगता है मुझे धोखा दूंगा, आज भी लगेगी ये बात रखती है, कुछ पता नहीं आता। और ये व्लॉग मैंने मतलब आपके कमेंट पढ़ के बनाया है, तो गाइस मिलते हैं आपको ऐसी किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए अलविदा, तो चलिए बाय बाय करते हो। तो चिप्स खाने बैठते हो क्या व्लॉग? तुझे क्या व्लॉग तुम तो चिप्स खाना चलो गाइस, मिलते हैं आपको ऐसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। ओ हाँ, सब्सक्राइब कर देना यार, तुम सिर्फ देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, अब सब्सक्राइब कर देना। ओके, चंडे खाइए, तुम्हारे लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। दो दिन तो पढ़ा ऑफिस।
सी यू गाइस बाय।